हाय भगवान, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ लोग बात करने वाले हैं जी। हम जो जो लोग इंटरव्यू में एडमिशन कराने के लिए आप लोग जान सकते हैं आवेदन किए थे, जिनका सेशन आप लोग को जान सकते हैं कि जिनका सेशन आप लोग को देख सकते हैं, 22 से 24 जिनका सेशन रखा गया था जी। 22 से 24 जिनका सेशन रखा गया था, उनका आप लोगों को काफी सारे लोग वीडियो पर आप लोग कमेंट किए थे कि सर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कैसे कब जारी होगा, आप लोगों को हमको कैसे नाम लिखाना है, या हमारे मनपसंद कॉलेज हमको नहीं आ रहा है चूज में, हम कॉलेज का चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हमको क्या 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 चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट पर ले जाकर, हमको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट में ले जाकर वहाँ पर आप लोगों को नाम लिखाना है। काफ़ी सारे आप लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया था। आज वीडियो में आप लोग को हम लेकर आ गए कि आप लोगों को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट क्या कब जारी हो जाएगा, इसका आप लोग को कैसे कैसे आप लोग को नाम लिखाना पड़ेगा, ये मुझे सबको इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम बोर्ड पर आप लोगों को बोर्ड पर हम कुछ लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग को हम पढ़कर आपको बता सकते हैं। देख सकते हैं कि BSc पटना के आप लोग को देख सकते हैं कि BSc पटना से अपडेट निकल कर आई है कि इंटर पास, देख सकते हैं कि इंटर सत्र 2022 से 24 ग्यारहवीं कक्ष में नामांकन जी है, ग्यारहवीं कक्ष में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके सभी छात्र छात्राएं जी हाँ, छात्र छात्राएं का फर्स्ट मैच लिस्ट दिनांक 11/8/2022 जी हाँ, 11/8/2022 को ऑनलाइन जारी हो जाएगा जी हाँ। 11/18/2022 को आप लोग को ऑनलाइन आप लोग को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा जी हाँ, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आप लोग को जारी कर दिया जाएगा जी हाँ। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट से नामांकन लेने की अंतिम तिथि जी हाँ 18/8/2022 तक है। सबसे बड़ी बात जान जाइए से आप लोग को जान सकते हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन मैच लिस्ट आप लोग को 11/8/2022 का निकलेगा, आप लोग को 11 तारीख से आप लोग को लेकर आप लोग को 18 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोग को कॉलेज में जाकर आप लोग को नाम लिखा लेना है। अगर आप लोग मैच लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप लोग इस लिंक पर, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पर जाकर आप लोग मैच लिस्ट देख सकते हैं जी हाँ। जिन छात्राओं को नाम फर्स्ट मैच लिस्ट में नाम रहेगा उनका कॉलेज में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा जी। ऑफलाइन आप लोग को नामांकन आप लोग को लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि ऑनलाइन में सिर्फ आप आवेदन करने की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप लोग को ऑफलाइन ही आप लोग को आवेदन आप लोग को फॉर्म आप लोग को भरा जाएगा कॉलेज में जी हाँ। कॉलेज में आप लोग को नामांकन आप लोग को देख सकते हैं, अगर आप लोग कॉलेज में अगर आप लोग नामांकन लेना चाहते हैं तो 11 तारीख से 18 तारीख तक आप लोग आवेदन ले सकते हैं जी हाँ, नामांकन ले सकते हैं। नामांकन हर हाल में आप लोग को कॉलेज में आप लोग को ले जाकर जी हाँ, आप लोग को हर हाल में आप लोग को ऑफलाइन आप लोग को नामांकन आप लोग को करवा लेना है। जिन जी हाँ, जिस कॉलेज में नाम आया है और वह कॉलेज आप लोग को मन पसंद नहीं होगा जी हाँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आप डाउट कीजिएगा कि आप लोग बोलते हैं कि सर हमारे मानकर चलिए तो हम फर्स्ट सिलेक्शन जी हाँ, आप लोग जो आप लोग ऑनलाइन किए थे तो आप लोग को फर्स्ट में आप लोग को जो जो मन पसंद होगा वही कॉलेज आप लोग फर्स्ट में आप लोग चूज करते होंगे जी हाँ, और हम भी चूज करते हैं, ना कि आप लोग हमको बताते हैं, हम भी वही चूज करते हैं जो आप लोग को फर्स्ट हमको चूज रहता है। और आप लोग को जान सकते हैं कि फर्स्ट में छोड़कर हमको सेकंड में दे दिया तो हमको तो फिर ऐसे सैड वाला मोमेंट्स आ जाता है कि भैया हम उसमें नाम नहीं दिखा सकते। उस हाथ में आप लोग को क्या करना है आप लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आया होगा, उस सूरत में आप लोग को मन पसंद नहीं होगा हुआ तो छात्र छात्राओं को लिंक आप लोग को लिंक वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 11/8/2022 से लेकर 18/8/2022 तक साइड अप कर सकते हैं जी। साइड अप एक होता है स्लाइड अप जी हाँ, स्लाइड अप एक होता है जो आप लोग को अब बोलेगा तो उस पर आप लोग को हम वीडियो बना देंगे जी हाँ। 11 तारीख के बाद भी वो वीडियो बनेगा, क्योंकि आप जा सकते हैं कि 11 तारीख के बाद आप लोग को मैच जारी होगा तो उस पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग को वीडियो मिलेगा, उसके बाद आप लोग को साइड अप करने पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, कर सकते हैं। और आप लोग को देख सकते हैं कि जो जो लोग साइड अप कीजिएगा उससे पहले आप लोग आगे आप लोगों को बता रहे हैं, साइड अप करने से पहले आप लोग बता सकते हैं कि उस कॉलेज में आपको नामांकन लेना होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा। अगर फर्स्ट मैरिट लिस्ट में आप लोग को जान सकते हैं कि फर्स्ट मैरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी छात्र छात्राओं को किसी भी कारणवश नहीं कराता है तो उनका आवेदन OFSS के साइट से आप लोग को आवेदन रद्द कर दिया जाएगा जी। आप लोग आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग आवेदन नहीं कर पाइएगा और आप लोग को रजिस्ट्रेशन आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा, आप लोग को आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसी कारण से आप लोग को हम बता देते हैं कि जिसमें आप लोग को नाम आएगा उसमें आप लोग को जाकर आप लोग को नामांकन करा लेना है। आप लोग बोलिएगा कि नामांकन कराने में आप लोग को क्या क्या आप लोग को लगेगा,
तो आप लोग जान सकते हैं कि नामांकन कराने में आप लोग को सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट मैरिट लिस्ट जो आप लोग निकाले होंगे फर्स्ट मैरिट लिस्ट में, जो आप लोग को फर्स्ट मैरिट लिस्ट आप लोग को प्रिंट करा के आप लोग को रख लेना है। उसके बाद आप लोग को CIF जान सकते हैं कि CIF का जो आप लोग आवेदन के रजिस्ट्रेशन के समय आप लोग को जो ऑनलाइन किए थे वहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है, वो आप लोग को वो भी आप लोग को उसका जीरोक्स लगेगा। उसका जीरोक्स देने के बाद आप लोग को 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE बोर्ड वाले सर लगाएंगे, BSE बोर्ड वाले के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोग को 5 फोटो चाहिए, जी हाँ 5 फोटो लगेगा। उसके बाद आप लोग को जाति आवास से आय लगेगा, जी हाँ जाति आवास से आय लगेगा। क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि जाति में आप लोग को छूट दिया जाएगा, जी हाँ जाति में आप लोग को छूट दिया जाएगा, इसी कारण से आप लोग को जाति देना पर आप लोग को अनिवार्य होगा। आज का वीडियो में आप लोग को बता दें कि यही प्रोसेस है, इसी कारण से आप लोगों को वीडियो बना दी है। आपको कुछ ही पूछना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल पर ना होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको समय सकाने वालेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।